शर्म की बात है सीमा, डूब के मर जा तू। तेरे को मैं कहती हूँ, तेरे को ना कीड़े क्या बोलूं कि एक इंसान दो दो जगह पर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है दो जगह पर, है ना, कि मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का कुछ बन जाए। उसने घर लेकर दिया। आज जो तुम देख रहे हो ना झिंगपुर को स्विमिंग पूल लेकर आया है, आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल दिखा रही है, ये चिनार हैदर को इसने फोन किया, मैसेज किया कि कौन सी बिटिया का नाम लिया कि वो रो रही है, स्विमिंग पूल जा रही है। हैदर ने 2 लाख, अगर मैं नहीं भूलती हूँ तो 2,10,000 के 3,10,000 इसमें उसने बोला हुआ है। ये जो मैंने उसकी बाइक ली, इसने उसने पैसे भेजे और इसने क्या कहा, नहीं इनमें से नहीं लेकर दूंगी, ये तो घर के लिए पैसे हैं, और पैसे भेजो। फिर उसने और पैसे भेजे कि मेरी बेटी को स्विमिंग पूल लेकर दे। मैं बता दूं तुझे सीमा, आज पढ़ पढ़ के सुना रही थी कि मोमिन मलिक मोमिन मलिक। मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, अगर आप मोमिन मलिक पे भरोसा करते हो, अगर सत्य पे भरोसा करते हो, ये भाई बहन एक नंबर के झूठे है। एपी सिंह सीमा हैदर झूठी एक नंबर की, इसका भाई एक नंबर का, ये वो ही एपी सिंह है जिसने कहा था, क्या कहा था इसने, निर्भय वो है, इसने निर्भय, इसने मरी हुई बच्ची के ऊपर गंदा लक्षण लगाया था, मरी हुई, ठीक। और शर्म आनी चाहिए, कोई आदमी भी गलती से भी अपना मन हल्का ना करे और इन लोगों पर भरोसा मत करे, क्योंकि मैं रोज बोलती हूँ कि झूठ के साथ बहुत बड़ी भीड़ होती है, सत्य अकेला होता है। अगर आप लोग मोमिन मलिक को सवाल करोगे कि सर ये वो, तो अपने लिए गलत होगा। कम से कम आप साथ दीजिए, आप साथ खड़े रहिए, आप सत्य को, ये सत्य को झुठलाना चाहते हैं ना, हम झूठ को ही तुम्हें झूठाला झूठा बनाकर दिखाएंगे, देखना। ये जो तू आकर बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है ना सीमा हैदर, काश, हाँ ये एसी, आप एसी की बात कर रहे हो ना, ये एसी जो है, ये एसी 3-4-5 हजार वाला एसी है, ठीक है। अब भाई ने वचन दिया था, भाई ने चिल्ला 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 के बोला था एसी की जगह, और मेरी मम्मी कहती हो एसी नहीं लगा हुआ मेरी बेटी गर्मी में, तो भाई साहब ने तो भेजा नहीं। अब भाई साहब ने कहा कि मार्केट से 3-4-5 हजार का सेकंड हैंड एसी खरीदो और लगा लो, वो सेकंड हैंड एसी लग गया, आप लोगों ने देख लिया। तो कहने का मतलब है, ये जितना मर्जी छाती पीट ले, मैं आज भी अपने भगवान पर, अपने अपने ईश्वर पर, अपने महाकाल पर, ठाकुर जी पर और मोमिन मलिक पर विश्वास करती हूँ। कभी भी आप लोग, मैंने देखा कुछ लोगों के विचार 2 मिनट में बदल जाते हैं, अरे अरे मोमिन मलिक देखो इसका तो खुद का ये था, ये तो वो था। ये वो सीमा हैदर है जो झूठ पर झूठ बोलती है। ये तब की रिकॉर्डिंग, तब की अचानक, वो भी अचानक, आज मैं अपना यूट्यूब देख रही थी तो मेरे ये सामने आ गई, तो मैंने आप लोगों को दिखाई। हाँ जी, देख लिया आपने ये सीमा हैदर की करतूत, सीमा हैदर की करतूत आपने देख लिया है कि झूठ पर झूठ, और इसको क्या लगा कि हम इसकी बातों में आ जाएंगे। अचानक आज मेरे सामने ये हैदर का, आज तक का, जी न्यूज का, जो मैं वहां पर बोली थी, है ना, वो मेरे अचानक आज मेरे आंखों के सामने आ गया, तो मैंने आप लोगों को सुनाया। एपी सिंह एक नंबर का झूठा इंसान है, वो अपने फायदे के लिए अच्छी महिला को गंदी करार दे देगा, और गंदी को, एक भगोड़ी को, अवैध तरीके से आई हुई महिला को मेरे देश में बिठाकर कहेगा कि वो अच्छी है। अब फैसला आप लोगों को करना है, क्या आप किसका साथ दोगे, गलत का साथ दोगे तो भी आपको वहां जाकर हिसाब देना पड़ेगा, सत्य का साथ दोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। मैं फिर कहती हूँ कि झूठ के साथ बहुत बड़ी भीड़ होती है भाई, सच अकेला लड़ता है और सच जीतता जरूर है, बिल्कुल। और सीमा ऐसे दिखा रही है, अरे निकम्मी निठल्ली है, तूने ससुर को कहा कि मैं तेरा बीच में से फाड़ दूंगी। विडंबना देखो हमारे देश की, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना देखो, एक घुसपैठिया हमारे देश में घुसता है, हमारे देश में घुसपैठिया घुसता है और घर के मालिक को घर से निकालता है और घर पर राज करता है। क्यों करता है भाई, जवाब है किसी के पास, है जवाब किसी के पास, कि एक घर का मालिक घर से बाहर निकल जाए और एक घुसपैठिया आकर घर में राज करे, आखिर क्यों, क्योंकि गलत लोग गलत आदमी का साथ दे रहे। जिस दिन आप लोग सत्य पर अटल हो जाओगे ना, माता रानी कसम महाकाल कसम, आप लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज मैं इतना बेबाकी से बोलती हूँ ना, आज मैं इतनी बेबाकी से काम करती हूँ, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे को सत्य की राह पर चलना मंजूर है,
अरे भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया सब कुछ, आग लग जाए ऐसी चीजों को। अगर तुम्हारा जमीर ही नहीं तुम्हें इजाजत देता, तुम्हारा जमीर ही नहीं जिंदा, तो धिक्कार है फिर तुम्हारे पर। कैसा जीना, कौन सा जीना, मतलब शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल हैदर की सपोर्ट में हूँ, थी और रहूंगी तब तक जब तक हैदर को उसके छोटे छोटे बालक नहीं मिल जाते। और तू तू क्या अपने बच्चों को, आपको बताती हूँ रुको, अपने बच्चों को इसने इसने अपने सास ससुर को क्यों निकाला घर से, किसी को पता क्यों निकाला? एक बाइट में वो इस फोन में रह गई, कह रही है कि 2014 से हमारा खत्म हो गया था। अगर 2014 से 12 के 14 में शादी, 13 में 12 में कह रही शादी, 2014 में तेरा खत्म हो गया था, तो ये जो तूने लाइन पैदा किया है, ये चूचे पैदा किए हैं, पिल्ले पैदा किए, ये कहां से आ गए, कहां से आ गई ये सब? शर्म आनी चाहिए, शर्म ऐसी महिला को। और मैं कहती हूं कि भैया 27 तारीख 10 जून उसके बाद पूरी पूरी महिला का संगठन लेकर हम चलेंगे रोड पर, सब चलेंगे और इसको वहां से निकालेंगे। एक घर में रहने वाले लोग जो कि घर से खदेड़ कर बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनका घर, जिन्होंने अपनी छोटा सा काशियाना अपना दिल से बनाया, अपना मतलब उनको लगा कि मेरा मेरा घर है ना, मेरे घर, मैं इस घर में रहूं, और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया और खुद राज कर लिया, कह रही कि मैं तुम्हारे चीज दूंगी, फाड़ दूंगी, तुम्हारे पर ये लगवा दूंगी, वो लगवा दूंगी, किसकी शर्त से, किसके कहने से? अपने भाई एपीसी, जिस इंसान ने कभी सत्य का साथ दिया, जिसने सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाना चाहा, बिल्कुल हमारे देश में राज चला लिया बिल्कुल। और उनको घर से निकालने का कारण क्या था, मैं आपको बताती हूँ। उसको घर से निकालने का कारण था नेत्रपाल, उसकी बेटी को, क्योंकि ये अगर चार चार छिल्लर देती थी ना, चार पैसे देती थी, तो उन पर रोप चलाती थी, उन पर डंडा करती थी कि मेरे बच्चों को नलाओ, मेरे बच्चों को ये खिलाओ, मेरे बच्चों को ये करो, तू मेरे बच्चों की कर, तू मेरे बच्चों की ये। काश अगर मैं होती ना, तो मैं ये चूती उठाकर ना इसके मुंह पर धाए 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 धाए, दे दे जूता दे चप्पल, दे जूता दे चप्पल, वहां पर इसका स्वागत होता। शर्म आनी चाहिए एपी सिंह को कि एक भगोड़ी को, एक अवैध तरीके से भारत में घुसी हुई महिला को तू समर्थन दे रहा। भाई तू वही भाई है ना जो तू निर्भय को गंदा बोलता था और उनको कहता था बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसे हिंदू लोग, ऐसे हिंदू लोग तो उसका समर्थन करते हैं। क्या निर्भय तुम्हारी बेटी नहीं थी? क्या निर्भय हिंदू तुम्हारी बहन नहीं थी? शर्म आती है मुझे आप लोगों पर, शर्म होगा होगा। आप टेंशन मत लो, आप ये मत सोचो कुछ नहीं होगा। जब आप अपने हौसले हार जाओगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर सच में कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपके हौसले बने रहेंगे ना, उस दिन सब कुछ होगा, ये याद रखना भैया। कुछ भी चले, हर साल ये कोर्ट में आए, कोर्ट में इसको, कोर्ट में देखना चाहती हूँ मैं भगोड़ी को, और वहां पर इसको जूते बजाओ कोर्ट में। ठीक, आ तू जरा एक बार कोर्ट में, फिर मुंह छुपाकर चलती फिरती नैरोलाइक पेंट की दुकान, चलती फिरती मेकअप किट। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म। मोमिन मलिक जी बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। अब ये मोमिन मलिक के साथ मैं बता दूं क्या गेम चल रही है, और मोमिन मलिक के साथ गेम चल रही है हिंदू मुस्लिम वाली, ये उसने बहुत पीड़ित किया, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, मोमिन मलिक ने ये बोला, सनातन की बदनामी की। क्या की सनातन की बदनामी? आज तक तो मोमिन मलिक सनातन की बहुत प्रेज कर रहे थे, उन्होंने कभी सनातन को गलत नहीं बोला, तुमने उस सनातन की बच्ची को गलत बोला है? आज तुम्हें वो लोग, आज तुम्हें ये भगोड़ी याद आ गई, तुमने इसको बहन बना लिया, जो 14 साल से पासपोर्ट से आए, जो पाकिस्तान से पीड़ित लोग, उनमें से तो किसी को बहन नहीं बनाया।